हेलो दोस्तों, जम के एम्पलीफायर चैनल में आपका स्वागत है। हमारे पास एक है सीलिंग फैन पे रोने आया हुआ, देख के आप देख सकते हैं। ये दिखने में आपको साफ़ सुथरा, कहीं भी जला हुआ फूका हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये हमारा इसकी दोनों वाइंडिंग ख़राब हैं। इस वीडियो में आपको हम इस सीलिंग फैन को दोबारा रिवाइंडिंग करके दिखाएँगे, कौन से नंबर का तार लगेगा, कितना डाटा रहेगा, क्या टर्न लेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पहले हमें इस पुराने तार को, आपके पास चाकू हो, ग्राइंडर हो या कैंची हो, इसकी मदद से आप इसे काट के अलग कर सकते हैं। हालांकि हम इसे ग्राइंडर से काट के आपको दिखाते हैं। अगर आपके पास इस तरीके की कैंची है तो कैंची की मदद से आराम से आप काट सकते हैं। हालाँकि टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कट जाएगा थोड़े थोड़े बार इस तरीके से करके इसे काट देंगे, थोड़े थोड़े बार करके आधे आधे तरीके से करके आपको थोड़े थोड़े बार काट लेना। हम ग्राइंडर की मदद से भी काट लेते हैं, कट जाएंगे हमारे सारे बार। हम देख सकते हैं हमने सारे तार को काट दिया, इसके बाद में केबिंग को भी काट हटा देंगे। इस तरीके से आपको सारी केबिंग हटा देंगे। हम देख सकते हैं हमने इनको कंप्लीट साफ कर लिया है, तो सारे वायर को केबिंग को हटा दिया, जैसे हमारा दिखने में इस तरीके से है। इसके बाद में हम इसमें इसके लिए 5 नंबर सीट लेंगे, उससे काटेंगे हम। आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके के पेपर काट लिए हैं, जो कि हमारे 5 नंबर के हैं। काटने के बाद में हम इस तरीके से लगाएंगे। आपको ध्यान देना यह होगा, हमारी बाइंडिंग यहाँ पे ये सुराख देख रहे हैं, यहीं से शुरू करनी होगी। इसके लिए हमने 35 नंबर बाहर ले लिया, जो कि आप देख सकते हैं। इसके मदद से हम इसे बाइंडिंग करेंगे। हम आगे आपको इसके टर्न और सारी जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे तार को डबल कर लिया है। इस तरीके से डबल करने के बाद में इससे हमारी मजबूती कनेक्शन बार पर बने रहेगी। यहाँ पे यहाँ से आपको शुरू करना है, इस सुराख से इस तरीके से आपको डालना होगा। तो 1-2 टर्न आपको सावधानी पूर्वक डालने होंगे इस तरीके से। इसमें हम 340 ये क्वार में टर्न डालेंगे। इस तरीके से आपको काउंट करके ही डालना है। पचास या 100 टर्न पे आपको इस तरीके से टेस्टर ले लेंगे, इसकी मदद से इस तरीके से आपको दाब देना होगा, ताकि हमारी कार फूले ना और दिखने में भी अच्छी दिखे। आपको 100 टर्न पर इस तरीके से दाबना होगा। इनको डालेंगे, आप देख सकते हैं पहले हम कुछ इस तरीके से हमने पूरे 100 टर्न डाल लिए हैं। इनको लगा देंगे, पहले हम इस तरीके से चल रहे थे, इसमें हमारे 340 टर्न हो चुके हैं। अब हमें इसके विपरीत चलना है, इस साइड आपको ध्यान देना होगा। पहले उस साइड चले थे, तो उस साइड चलाना होगा। इसमें भी हमें 340 टर्न डालेंगे। इसके बाद में फिर से हम इस तरीके से चलेंगे, फिर इस तरीके से एक बार सीधा एक बार उल्टा, इसी तरीके से हम पूरे फोन को रिवाइंड करेंगे। सारे बाल में 340 टर्न ही डालने हैं आपको, गिनती गिन के ही आपको टर्न को डालना है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमने सारी कॉल डाल दी है, ये हमारी कुछ सारी कॉल पढ़ के रेडी हो चुकी है। लास्ट में आपको डबल तार कर लेना, जिससे हमारी मजबूती बने रहे। इस तरीके से ये हमारा पूरा फैन कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इससे एक हमारा शुरुआत का सिरा, एक हमारा एंड यानी लास्ट का सिरा आया हुआ है, देख सकते हैं। ये हमारा लास्ट का है, साइड हमारा शुरुआत का है। इसके बाद में इसके पेपर को यहाँ से हम कट कर देंगे। इसके बाद में कैंची की मदद से इस तरीके से आपको काट देना होगा। आपको ध्यान में रखना है, आपको बाहर कहीं से कटे ना। इस तरीके से सारे पेपर को काट लेंगे।
और देख सकते हैं हमने सारा रोटर काट लिया है। इसके बाद में इस तरीके से टेस्टर ले लेंगे और इसको इस तरीके से एक बार इस तरह से हम उसको लटका देंगे। देख सकते हैं ये हमारी लॉक बन चुकी है। इसी प्रकार सारी लॉकें लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमने सारी लॉकें लगा दी। इसके बाद में हम कैसे देख सकते हैं इस तरीके से हमारे दिखने में लग रहा है। इसके बाद में हम इसे इस तरीके से सेट करेंगे और ये पेपर लगा के इसे हम लॉक करेंगे फिर से। अब आपको ऊपर की ओर इस तरीके से पेपर लगाना होगा इस तरीके से पेपर लगाएंगे। इसके बाद में फिर से आप देख सकते हैं हमने डबल टायर कर लिया। इसके बाद में इस सलाद को देखते हुए सीधा डाल लेंगे इस तरीके से। एक दो टायर में आपको आराम से डालना होंगे इस तरीके से। आप एक दो टायर डाल देंगे। इसमें हमारा 30x35 नंबर बार का प्रयोग होगा और 360 टर्न रहेंगे हर कॉल में। आपको टर्न गिनते रहेंगे। यहाँ पे हमारा डबल जोड़ गया था, ये हमारा इंडो है। इसे हम इस तरीके से लगा देंगे इसे उठा देंगे। आप देख सकते हैं हमने सारी कॉयलें डाल ली हैं। ये हमारी सारी स्टार्टिंग कॉयलें पड़ चुकी हैं। आप देख सकते हैं हम सिर्फ एक कॉल बची हुई है। इसमें भी हम 360 टर्न डाल लेंगे, हमारा फैन कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सारे कॉयल कंप्लीट कर लिए हैं। मेरा फैन इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पे इस पेपर को हम काट देंगे कैंची की मदद से। इसके बाद में पेपर को काट देंगे। पेपर को आपको काटने से पहले ध्यान देना होगा कोई बाहर हमारा ऊपर तो नहीं है, आपको देख देख के ही काटना होगा। इसे ना काटें कि आपका वायर ही कट जाए और आपको कंटिन्यूटी ना आए। इसे काटने के बाद इसे लॉक करते चलेंगे ताकि हमारा वायर ऊपर ना निकले इस तरीके से। इसके बाद में कटे हुए पेपर को लेके इस तरीके से डबल लॉक लगा देंगे। इसके बाद में इसके बीच में हम लगा देंगे। इसको ऊपर करना है पत्ती को इस तरीके से, इसे यहाँ से डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमने सारी कॉयलें डाल ली हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद में हमने पैकिंग भी लगा दी थी। देख सकते हैं हमने पैकिंग लगा दी सारे। ये हमारे 4 बार निकल के आ गए हैं, 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के हैं। इसके बाद में यहाँ से हम एक बार ले लेंगे और इसे बाहर निकालेंगे क्योंकि हम 4 बार उपयोग करेंगे, 4 के 4 ही बार ऊपर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 4 बार निकाल लिए हैं, एक रेड, एक दो रेड हो चुके हैं हमारे, 2 ब्लैक। इसके बाद में यहाँ पे हमने साइड निकाल लिए हैं। इसके लिए हमने पैकिंग ले ली है कुछ। देख सकते हैं ये हमारी 4 नंबर पैकिंग है जो हमने 4 पीस ले लिए हैं, 2 और 2। इसके बाद में इसके ऊपर सर के ऊपर लगा लेंगे। आपको जो बाहर दिख रही है ये हमारी रनिंग बाइंडिंग है, इसमें हम रेड लगाएंगे जिससे हमारा पंखा चलेगा। पैकिंग लगा के देख सकते हैं इस तरीके से पैकिंग को हम डाल देंगे। सिर्फ हमारे 4 नंबर इसके भी अच्छे तरीके से हम इस तरीके से जॉइंट लगा देंगे। इसके बाद में एक्स्ट्रा बार को हम कट कर देंगे कैंची की मदद से। इसके बाद में हम सिलप को चढ़ा देंगे इस तरीके से। देख सकते हैं हमारी पैकिंग हो चुकी है। इसी प्रकार दूसरी पैकिंग लगा लेंगे। इसके बाद में भी इसे हम छील देंगे अच्छे तरीके से जो कि हमारी पॉलिश वगैरह हो हट जाए और हमारा अच्छे तरीके से करंट
इसमें आने लगे, इसके ऊपर सिलप लगा लेते हैं। सारे कनेक्शन आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद में इसे अच्छी तरीके से लपेट देंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके हमने रेड बात दोनों सिरप लगा लिए, इसके बाद में नीचे वाली बार बढ़ने के हम ब्लैक वाली के साथ कनेक्शन कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ टाइट मेज से इसे बांध दिया है, हमारा फैन कंप्लीट हो चुका है, से हमारे बाहर निकल जाएंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो फैन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस वीडियो में आपको हमें से बाइंडिंग करना बताया था, इसके बाद में हम कनेक्शन करना आपको इसके अगले पार्ट में दिखाएंगे। इसके अगले पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इस चक्कर में इसका पार्ट टू बनाएंगे, इसमें आपको हम इसके सारे कनेक्शन दिखाएंगे। इस चार बार के हम तीन बार कैसे करते हैं।